देखिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को दे करके गार्निश किया है। देखिए कितना खिला खिला सा खीर लग रहा है। अगर खाना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम खीर बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ 2 kg दूध है, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, और इसमें मैं डालूंगी शुद्ध देसी घी। आइए डालते हैं। ये शुद्ध देसी घी है घर का, देखिए शुद्ध देसी घी है। मेरा गरम हो गया है, और ये चावल है जो मैंने धो के लिया है, अब इसमें फ्राई करेंगे। इसको भूनते हैं, इसमें मैंने देसी घी, देखिए इसको भूनते हैं जब तक इसका पानी ना सूख जाते हैं। और इधर मेरा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, मलाई देखिए निकल के आया है। इसको हम लो आंच पर इस तरह भून लिए हैं चावल को, देखिए। अब इसको इसमें दूध में डालेंगे, दूध में डाल करके इसको पकाएंगे। चलिए डालते हैं दूध में इसको निकाल करके। देखिए इसको मैंने घी में फ्राई कर लिया है, अब इसको डालेंगे दूध में। थोड़ा सा इसमें रह गया है, इसको भी निकाल करके उसमें डाल देते हैं। देखिए इधर मेरा फिर से कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दिए थे, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे देसी घी फिर से। तो लीजिए हम देसी घी डाल रहे हैं। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे जो ये मैंने लिया है, देखिए इसको फ्राई करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा यानी कि ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन तक इसको भूनेंगे। देखिए मेरा हो चुका है, ये सब जाएगा खीर में, जो हम खीर बना रहे हैं उसी में जाएगा। मेरा भुना गया है काजू और किशमिश। गैस को ऑफ करेंगे, अब इसको डालेंगे हम खीर में। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी भून लिया है, अब इसमें डालते हैं खीर में। हम इसमें डाल दिए हैं, अब इसको चला लेते हैं। कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स। तो ये मेरा बन रहा है खीर कुछ अलग तरीके से। फ्रेंड्स उधर खीर बन रहा है, तब तक हम इधर सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने सरसों तेल डाला था, थोड़ा सा घी इसमें बचा हुआ था जो मैंने फ्राई किया था। तब इसमें हम डालते हैं सब्जी। आज पूरा फेस्टिवल थाली है, तो देखिए सब्जी, देखिए आलू का सब्जी बना रहे हैं, जिसमें मैंने लहसुन और प्याज कुछ भी यूज नहीं कर रही है, बस सिंपल। आज संडे है इसलिए मैंने ये बनाया, और इधर मेरा खीर बन रहा है, देखिए। देखिए अब इसको हम ढकेंगे, हमारा खीर बन गया है। अब इसमें हम चीनी डालते हैं, ये चीनी लेते हैं। इसमें 2 kg दूध था, और इसमें हम डाल रहे हैं 100 ग्राम, 150 ग्राम था ये चावल था, और ये 150 या 200 ग्राम होगा चीनी, ये हम डालते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं।
हमारा खीर बनके तैयार है। अब ठंडा करके फिर दिखाते हैं आपको कैसा हो गया। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा रह गया था जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था, ये उसी का है। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर हम थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल रहे हैं इसलिए मीठा के साथ तीता और नमकीन बहुत अच्छा लगता है। अब हल्दी डालते हैं इसमें। थोड़ा सा इसमें हम मिर्ची पाउडर डालते हैं। थोड़ा सा तीता बना रहे हैं इसलिए हमने डाला मीठा के साथ है। फ्रेंड्स देखिए ऑलरेडी मेरा खीर बनके तैयार हो गया है। भेज थाली देखिए ये सब्जी आज सिर्फ भेज थाली है यानी कि फेस्टिवल थाली। ये दो रोटी रखे हैं, पराठा कोई नहीं खाता था तो इसलिए मैंने ये रोटी बनाई है।